हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज के वीडियो में हम एलईडी बल्ब को रिपेयर करेंगे। ये मेरा तीसरा वीडियो है एलईडी बल्ब रिपेयरिंग का। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें हमारा सीरीज़ बोर्ड लेना है। सीरीज़ बोर्ड बनाने के लिए दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं पूरा वीडियो। तो मैं आपको पहले चेक करा देता हूँ कि ये हमारा 100 वाट का बल्ब भी जल रहा है। तो ये देख लीजिए, ये हमारा जो बल्ब है 9 वाट का है, ये काम नहीं कर रहा है और हमारा 100 वाट का जल रहा है। तो हमें उसे रिपेयर करना है। तो इनको मैं साइड में रख देता हूँ। तो इसको हम पहले खोल लेंगे। तो ये MCPCB है, इसको हम पहले इसके जो स्क्रूज़ है उन दोनों स्क्रूज़ को हम हटा लेंगे। तो ये मैं बिट निकाल लेता हूँ इसके अंदर से, और इन पेजों को हम स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से खोल लेंगे। स्क्रूज हटाने के बाद हम जो इसके जो सोल्डरिंग हो रखी है इनको हटा के MCPCB को बाहर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें MCPCB को चेक करना है कि इसके सारे के सारे LEDs काम कर रही है या नहीं कर रही। तो इसके लिए हमें 100 वाट का बल्ब नहीं, हमें 0 वाट का बल्ब काम में लेना है। तो ये हमने 0 वाट का बल्ब लगा दिया है। तो जो ये हमारे दो वायर है, इन दोनों वायर को इसके पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट करके देखेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी MCPCB LED पूरी की पूरी जल रही है। तो ये हमारी पूरी की पूरी सही है, तो इसको हम साइड में रख देंगे। प्रॉब्लम हमारे LED ड्राइवर के अंदर है, तो हमें LED बल्ब का जो ड्राइवर है उसे रिपेयर करना है। तो हम इसके आगे का ही हटा लेंगे। इसको हटाने के लिए देख लीजिए, इस तरह से आपको ठोकना है जिससे ये ऑटोमेटिकली बाहर आ जाए। तो जो ये हमारा सर्किट है, इसको बाहर निकालने के लिए इसके पीछे जो ये सोल्डरिंग हो रखी है इसको हटाना पड़ेगा। तो ये मैं मेरी सोल्डिंग मशीन से, आयरन मशीन से इसको हटा लूँगा। ये देख लीजिए, काफ़ी आसानी से ये हट जाता है। अगर ये नहीं हटे तो आपको सोल्डिंग पेस्ट लगा के फिर हटाना है। ये हट जाने के बाद ये जो हमारा सर्किट है ये बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों, ये हमारा सर्किट है, तो इसको हम एक बार फिर से चेक करेंगे। तो आपको करना क्या है, जो दो वायर है, जो हमारे AC टर्मिनल्स के वायर है, उनसे इनको कनेक्ट करना है, दोनों वायर्स को। ये मैंने दोनों वायर कनेक्ट कर दिए हैं, और जो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स हैं उन्हें हम हमारी MCPCB से कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों, जो हम ये LED बल्ब का ड्राइवर है, इसे हम इसके कंपोनेंट्स चेंज करके इसको रिपेयर नहीं करेंगे, हम हमारी एक ट्रिक लगा के इसे सही करेंगे। तो आप देखिए दोस्तों, पूरा वीडियो देखना आपको तभी समझ में आएगा। ये वायर निकल गए हैं, मैं इनको थोड़ा छील के इनको अच्छी तरह कनेक्ट कर लेता हूँ। इसे मैं जूम कर लेता हूँ और आपको बता देता हूँ एक बार। ये टर्मिनल में जो ये AC सप्लाई है सीरीज सर्किट के, उसमें लगा देता हूँ। आपको 0 वाट का ही बल्ब यूज़ में लेना है इसे रिपेयर करने में। तो दोस्तों, आप देखिए जो यहाँ पे IC लगी हुई है जिसके 8 पिन्स है, तो उसमें से जो हमारी लेफ्ट साइड वाली जो पिन्स है उन दोनों को हमें एक साथ कनेक्ट करना है। आप देख लीजिए मैंने कौन कौन सी पिन कनेक्ट की है, मैं अभी आपको और जूम करके बता देता हूँ। क्योंकि जो हमारा LED ड्राइवर होता है, इसके अंदर हमारा कम से कम बाहर के कंपोनेंट्स ख़राब होते हैं, ज़्यादा हमारी ये IC ख़राब होती है। तो IC के जो इधर के साइड के टर्मिनल्स है, आप चाहे तो इन सबको भी सोल्डरिंग कर सकते हैं। तो मैं इन्हें सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो आप देख लीजिए, मैंने इधर के
जो पिंस है उन सबको कनेक्ट कर लिया है। मैं अच्छी तरह इन पे सोल्डिंग वायर लगा देता हूँ जिससे ये परमानेंट हो जाए। तो ये मैंने सोल्डिंग लगा दी है, आयरन वायर से इनको परमानेंट कर दिया है। ये मैं जूम कर देता हूँ। तो दोस्तों अब इसे हम चेक करते हैं एक बार। ये देख लीजिए, मैं अभी 0 वाट का बल्ब यूज़ में ले रहा हूँ इसलिए यह प्रॉपर वर्क करेगी। अगर मैं 100 वाट का बल्ब यूज लूँगा तो इसके अंदर जो कॉइल है वो जल जाएगी। तो आपको 100 वाट का बल्ब यूज़ में नहीं लेना है। उससे पहले आपको जो ये कैपेसिटर है, पॉलिस्टर कैपेसिटर, इसका यूज़ करना है। इससे क्या है, वोल्टेज जो होती है वो ड्रॉप हो जाती है। तो ये 105 J का हमारे पास कैपेसिटर है, तो इसे हम इसके सीरीज़ में जो AC सप्लाई है उसके एक टर्मिनल की सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। तो आपको मैं बता देता हूँ एक बार, ये कुछ इस तरीके से ये इसके अंदर कनेक्ट होगी। तो सबसे पहले हमें जो इनके दोनों टर्मिनल है इनके पैरेलल में एक 1.2 मिलियन ओम का रेजिस्टेंस लगाना है। तो ये रेजिस्टेंस है, ये हमारा 1.2 मिलियन ओम का रेजिस्टेंस है। तो इसे हम इसके पैरेलल में लगा देंगे जिससे यह डिस्चार्ज हो सके। ये अब मैं इस पर थोड़ा सोल्डिंग वायर लेके इस पर लगा देता हूँ जिससे यह परमानेंट हो जाए। अब दोस्तों जो इसके बड़े बड़े लेग्स हैं इन लेग्स को हम काट के छोटा कर लेंगे कुछ इस तरह। अब इस पे हम 2 वायर कनेक्ट करेंगे। तो मैं इसके जो ये एक तरफ का टर्मिनल है उसे निकाल देता हूँ और उसमें मैं ये जो कैपेसिटर है ये इसके सीरीज़ में कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये मैं लगा देता हूँ इसके अंदर। तो ये देख लीजिए, मैंने इसके अंदर जो ये कैपेसिटर है इसको मैंने लगा दिया है। तो मैं अब आपको चेक करा देता हूँ। तो ये जो मैंने AC सप्लाई के वायर्स है इन्हें मैं इनके टर्मिनल्स पे कनेक्ट कर देता हूँ और आपको चेक कराता हूँ कि ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है। तो ये हमारा जो 0 वाट का बल्ब है उसमें काम कर रही है। मैं अब आपको इसका जो बल्ब है 100 वाट का बल्ब वो भी लगा के बता देता हूँ। तो ये 0 वाट का बल्ब है, इसे निकाल लेंगे और 100 वाट का बल्ब लगा देंगे। तो दोस्तों देख लीजिए, ये 100 वाट के बल्ब में भी वैसा ही वर्क कर रही है जैसा 0 वाट के बल्ब में कर रही थी। अब मैं आपको इसको पैरेलल बोर्ड है जो हमारा डायरेक्ट बोर्ड के अंदर, मैं इसे आपको ला के बताऊँगा। तो ये मैं इसे लगा देता हूँ और बटन चालू कर देता हूँ। तो देख लीजिए दोस्तों, इतना सा भी इसके अंदर एरर नहीं आ रहा है, ये प्रॉपर वर्क कर रही है, ना इसके कंपोनेंट्स गर्म हो रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए आप, काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। चलिए अब हम इसके जो वायर्स वगैरह है इन्हें हटा के इसे जो हमारा LED बल्ब की बॉडी है उसके अंदर इंस्टॉल कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर टेपिंग कर देंगे जिससे इसके टर्मिनल्स हमारी जो ड्राइवर है LED ड्राइवर उसे किसी टर्मिनल से टच ना हो, नहीं तो हमारा जो LED बल्ब का जो सर्किट है वह ख़राब हो जाएगा। तो कैपेसिटर पे मैं टेपिंग कर दी है।
ये पीछे से आपको जो इसका एसी टर्मिनल का ब्लॉक है उसको निकाल लेना है, और फिर जाके इसके जो दोनों टर्मिनल्स हैं एसी टर्मिनल्स के जो कनेक्ट होंगे उनके अंदर लगाना है। कैपेसिटर को आपको ऊपर ही रखना है क्योंकि ऊपर काफ़ी स्पेस रहता है। मैं गेम के लिए होल्स में उनको बंद कर देता हूँ जिससे वायर एक जगह टिका जाए। इसे बंद कर देते हैं। अब हम इसके पीछे अच्छी तरह वायर को मेल्ट करके लगा देंगे। अब ये जो हीट सिंक है हमारा एल्युमिनियम का, इसके थ्रू हम दो होल्स है उसके थ्रू दो वायर्स को निकाल के इसके अंदर फिक्स कर देते हैं। फिक्स हो जाने के बाद हमारा जो MC PCB है उसे भी हम इसके अंदर लगा देंगे, और जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है उन्हें भी कनेक्ट कर देंगे। तो स्क्रूज की हेल्प से हम इसे इसके ऊपर लगा देंगे। तो आप देख लीजिए, मैं इसे चला के बता देता हूँ आपको बोर्ड के अंदर। ये वायर कनेक्ट करा, देख लीजिए दोस्तों ये काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है हमारा LED बल्ब। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो देख लीजिए, धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।